मैं हूं अंजलि इस्तवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं डायबिटीज की बीमारी पर एक खास कार्यक्रम। तो आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज के एपिसोड में क्या है खास। आज के एपिसोड में दिखाएंगे डायबिटीज में बन रहा है भारत नंबर वन देश, साथ ही डायबिटीज का बोझ पड़ता है आपके दिल और शरीर के दूसरे अंगों पर भारी, और बताएंगे कैसे आप कर सकते हैं डायबिटीज पर काबू। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है डायबिटीज, और इस बीमारी में नंबर वन बनता जा रहा है भारत। लगता है कि चीन और अमेरिका के साथ हर फील्ड में कंपटीशन करते करते अब भारत की आदत ही पड़ गई है, क्योंकि डायबिटीज में भी अब उसने अपना कॉम्पिटिशन शुरू कर दिया है। भारत बन गया है दुनिया की डायबिटीज कैपिटल। डॉक्टरों के मुताबिक भारत में लगभग 5 करोड़ डायबिटीज के मरीज हैं, और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो इन आंकड़ों में शामिल नहीं क्योंकि उन्हें अपनी बीमारी का इल्म ही नहीं। इन आंकड़ों के बोझ के साथ भारत बढ़ रहा है 2030 की तरफ, जब वर्ल्ड डायबिटीज एटलस के मुताबिक डायबिटीज के मरीजों का आंकड़ा 8 करोड़ 70 लाख तक पहुँच जाएगा। यानी हर देश को पीछे छोड़कर हम बन जाएंगे डायबिटीज में नंबर वन। अगर कंपटीशन होगा तो बस चीन और अमेरिका के साथ। ये तो बहुत बड़ी फिगर है और किसी भी और देश में ऐसा नहीं है। इसमें दो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं समझना। एक तो इंडिया की आबादी ही बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और ओल्डर एज ग्रुप की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उससे नंबर्स अपने आप बढ़ जाते हैं। पर खाली इतना ही नहीं है, जो प्रेवलेंस है, एक्चुअल परसेंटेज ऑफ डायबिटीज, वो भी बढ़ रही है। माना जाता है कि आज की तारीख में हर 5वां डायबिटीज का मरीज भारतीय है। यही वजह है कि ये बीमारी सिर्फ हमारी सेहत पर ही नहीं बल्कि हमारी जेब पर भी भारी पड़ती है। यानी भारत में इस पर होने वाला खर्च दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसका खतरा सबसे ज्यादा शहरों में बसने वालों को है। साल 2000 में हुए एक सर्वे में सामने आया कि शहरों में इस बीमारी का खतरा गांव के मुकाबले दुगना है। जैसे ही प्रॉस्पेरिटी आती है, जैसे ही एफ्लुएंस आती है, तो सबकी डाइट चेंज हो जाती है, और डाइट में ज़्यादातर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, सफ़ेद कार्बोहाइड्रेट, वाइट ब्रेड फॉर एग्जांपल, फ्राइड चीज़ें बढ़ जाती हैं, मीठी चीज़ें बढ़ जाती हैं, तो डाइट बिकम्स अनहेल्थी, ओवरऑल अनहेल्थी डाइट। साथ में जो एक्सरसाइज पैटर्न्स हैं, जैसे गांव में सर्वाइवल के लिए ही लोगों को फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती, परिश्रम करना पड़ता है, शहर में आपको एक्चुअल फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई लोगों की। डायबिटीज के खतरों से हम कितने बेफिक्र और अनजान हैं, ये पता चलता है चेन्नई में हुई एक स्टडी में, जहां 25% लोगों को डायबिटीज के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। जिन्हें मालूम था भी, उनमें से सिर्फ 22% लोग ये जानते थे कि डायबिटीज से बचा जा सकता है, और सिर्फ 10% लोगों को डायबिटीज पैदा करने वाले रिस्क फैक्टर्स की जानकारी थी। यानी या तो लोगों को इस बीमारी के बारे में मालूम ही नहीं, या फिर वो ये नहीं जानते कि ये क्यों होती है।